Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all to the Orchard Education Systems online classes. Today, the day is Friday and date is 25th December 2020. Our subject is science, and I am your subject teacher Rabiya Javed. Our today's lecture is lecture number 4. Our book name is New Oxford Primary Science. Page numbers which we are going to cover today are 60 to 68, and topic for today is matter and the water cycle. This is our new unit, unit number 7. Now open your books from page number 60. Let's start our work now. We shall start with reading first. मैटर एंड द वॉटरसाइकल मैटर कहते हैं मादा उर्दू में हम इसको मादा कहते हैं कोई भी चीज़ एनी थिंग दैट कवर स्पेस एंड हैज सम वेट इस कॉल्ड एज मैटर मैटर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो या तो जगह घेरें या फिर वो क्या करे या उसका कोई वजन हो इसको हम क्या कहते हैं मैटर कहते हैं ठीक है और वाटर साइकिल पानी का जो निज़ाम होता है हम उसके बारे में भी इसमें पढ़ेंगे पानी की मुख्त शक्लें और उसके बारे में फ़र्दर एक्सप्लेन करेंगे लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग हैव यू एवर वंडर्ड अवर वर्ल्ड इज मेड ऑफ़ आपने कभी सोचा है कि हमारी जो दुनिया है वो किस चीज़ से बनी है एवरी थिंग अराउंड अस इज़ मेड ऑफ़ इनविजिबल बिट्स और पार्टिकल्स नोन एज मैटर्स हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है वो अनदेखे जो नजर ना आते हो उस तरह के छोटे छोटे जरात से मिलकर बनी है जिसको हम कहते हैं मैटर जिसको हम मैटर कहते हैं यू टू आर मेड ऑफ मैटर आप भी मैटर के बने हैं द थ्री नॉन स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड लिक्विड एंड गैस जो तीन जानी पहचानी हालात हैं मैटर की स्टेट्स ऑफ मैटर मैटर की हालात हैं वो कौन कौन सी हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस इंग्लिश में इसको सॉलिड को कहते हैं किसी भी सख्त चीज़ को ठोस चीज़ को उर्दू में इसको कहा जाता है इंग्लिश में इसको हम सॉलिड कहते हैं लिक्विड पानी जैसा माया जैसा लिक्विड माया पानी जैसा एंड गैस और गैस जैसे हवा होती है स्मोकी हो, स्मोक कोई होती है इसको हम गैस कहते हैं जो हवा में उड़ जाए चीज़ तो ये तीन हालात हैं मैटर की जो कि कौन कौन सी हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस साइंटिस्ट क्लासिफाई अ थिंग एज मैटर इफ इट हैज मैस मैस एंड टेक्स अप स्पेस क्या कह रहे हैं कि साइंसदान किसी भी चीज़ को उस चीज़ को मैटर कहते हैं या उस चीज़ को ये मैटर कहला कह, कहते हैं कि मैटर कहलाया जा सकता है जिस भी चीज चीज़ का कोई वज़न हो इफ़ इट हैज़ मैस अगर उसका वज़न हो और ये टेक्सअप स्पेस और ये कोई जगह घेरे जो भी चीज़ जगह घेरेगी और उसकी वज़न होगा वो कहलाती है मैटर वॉल्यूम इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट वॉल्यूम कहते हैं किसी भी जगह को जो कोई भी चीज़ घेर ले उसको वॉल्यूम कहते हैं दैट हैज़ लैंड अगर उस और उसकी क्या हो एक उसके उसका कद हो उसकी लंबाई या चौड़ाई हो वो चीज़ वॉल्यूम कहलाती है कोई भी चीज़ जो कोई जगह घेरे उसके अलावा उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ हो लंबाई हो चौड़ाई हो या उसका कोई कद बुत हो उसको हम वॉल्यूम कहते हैं मैथ इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट मैथ जो है वो उसके अंदर मौजूद मैटर को या उसके जो उसके अंदर मौजूद मादा होता है किसी भी चीज़ के अंदर उसको मैस कहा जाता है यानी कि कोई भी चीज़ वॉल्यूम एक तरह से हो गया वजन सॉरी मैस हो गया वजन और वॉल्यूम हो गया जगह घिरने की कैपेसिटी ठीक है हाउ डू यू नो इफ़ समथिंग इज सॉलिड लिक्विड और गैस अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक चीज़ या तो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं सॉलिड मैटर इज सॉलिड इफ़ इट हैज़ मेटल तब सॉलिड होगा जब इसके अंदर इफ़ इट हैज़ अ डेफिनेट शेप अगर उसकी एक मखसूस शकल होगी शेप होगी दिस मीन्स डैट इट डज़ नॉट चेंज इट्स शेप इफ़ यू चेंज द कंटेनर इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन या किसी एक एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो वो अपनी शक्ल नहीं बदलेगी तब वो चीज़ सॉलिड है फॉर एग्ज़ाम्पल योर अरेज इरेजर मेन्टेन् सेम शेप वेदर यू कीप इट इन योर पेंसिल बॉक्स और ऑन योर डेस्क अब वो एग्जाम्पल के तौर पर क्या कह रहे हैं कि आपके पाउच में या जोमेट्री बॉक्स में जो होती है इरेजर आप उस इरेजर को देखें कि अगर आप उसको एक बॉक्स से जोमेट्री बॉक्स से टेबल पर रखें या टेबल से वापस जोमेट्री बॉक्स में रखें तो वह अपनी शक्ल बरकरार रखेगी वो वैसे ही शक्ल रहेगी उसकी शकल नहीं बदलेगी अ अडेफिनेट वॉलीम और मैटर तब सॉलिड है अगर उसका वज़न है पहली चीज़ हमने कहा कि अगर उसकी एक डेफिनेट मखसूस शक्ल है और दूसरी बात हम कह रहे हैं अगर उसका वज़न है तो वो चीज़ सॉलिड है दिस मीन्स दैट इट टेक्स अप द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस नो मैटर where यू कीप इट इसका मतलब है कि इसका वज़न भी सेम रहेगा जहाँ कहीं भी उसको आप रखें तरह इरेजर अगर आपने टेबल पर रखी तो उसका वज़न उतना ही होगा उतनी वो जगह घेरेगी जितनी वो जोमेट्री बॉक्स में घेरी है उससे ज़्यादा नहीं घेर सकती तो यहाँ पे मैटर आपका सॉलिड है ये पता चलता है कि पहली बार वो अपनी शक्ल ना बदले दूसरी चीज़ वो अपनी वज़न उसका सेम रहे ब्लॉक ऑफ वुड टिश्यू पेपर एंड योर इरेजर आर सम्पल्स ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की एग्जाम्पल्स क्या क्या है हमारे पास लकड़ी टिश्यू और पेपर और आपका रबड़ वगैरह ये सारे किस चीज की एग्जाम्पल है आपके पास सॉलिड मैटर की ना मूव टू नेक्स्ट पेज पेज नंबर सिक्सटी वन दिस इज लिक्विड मैटर इज लिक्विड इफ इट मैटर तब लिक्विड है माया है या पानी की तरह है इफ़ इट चेंजेस इट शेप व्हेन यू चेंज द कंटेनर ये तब लिक्विड या पानी जैसी है जब यह अपनी शक्ल बदल ले जब भी आप इसका कंटेनर या बर्तन बदलते हैं तो यह अपनी शक्ल भी बदल ले दिस मीन्स दैट इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप इसका मतलब है कि इसकी एक मखसूस शक्ल नहीं होती फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू पोर जूस इंटू अ ग्लास फ्राम अ बॉटल इट विल टेक द शेप ऑफ द ग्लास अब मिसाल के तौर पर अगर आप जूस बोतल से ग्लास में जब डालेंगे तो इट विल टेक द शेप ऑफ़ द ग्लास तो ये किस शक्ल में बदल जाएगा ग्लास की शेप में हो जाएगा इसी तरह अगर आप उसको बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल की शेप में हो जाएगा उसको आप पर्च में डालेंगे सॉसर वगैरह में या कप में डालेंगे तो वो उस शेप का हो जाएगा तो लिक्विड की डेफ़िनेट शेप नहीं होती आप जिस कंटेनर में उसको डालते हैं लिक्विड उस तरह की शक्ल ले लेता है एंड सेकेंड है इफ़ इट हैज़ डेफ़िनेट वॉली और इसका हल्का फुल्का वज़न भी होता है हल्का फुल्का तो नहीं थोड़ा ज़्यादा ही होता है इसका भी वज़न होता है लेकिन इसकी शेप नहीं होती लिक्विड की दिस मीन्स दैट इट टेक अप द सेम स्पेस नो मैटर वेर यू कीप इट इन अ जग और इन अ बॉटल इसका मतलब है कि लिक्विड का भी एक मखसूस वॉल्यूम होता है शक्ल मखसूस नहीं होती लेकिन उसका वज़न मखसूस होता है यानी कि अगर आप उसको जग में डालेंगे तो भी पानी का वजन सेम रहेगा जूस का वजन सेम रहेगा अगर बॉटल में होगा तब भी ग्लास में होगा तब भी ओके वाटर हनी एंड द ब्लड इन योर बॉडी आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर पानी शहद और आपके जिसम में दौड़ता हूं ये तमाम किसकी मिसालें हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की ये लिक्विड की है पानी की है नूव टू नेक्स्ट वन दैट इज गैस मैटर इज़ गैस इफ़ इट हैज़ मैटर तब कोई भी मादा तब गैस होगा अगर उसके अंदर इफ़ इट हैज़ नो डेफिनेट शेप दिस मीन्स दैट इट चेंजेस इट शेप व्हेन यू पुट इट इन अन अदर कंटेनर इसकी कोई भी मखसूस शक्ल नहीं होती इसका मतलब यह है कि जब भी आप इसकी श, किसी भी कंटेनर बर्तन से बर्तन इसका बदलेंगे तो इसकी शक्ल बदल जाएगी टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ़ एयर विच इज़ अ गैस आप किसकी मिसाल ले लें हवा की मिसाल ले लें जो कि खुद एक गैस है इफ़ यू फिल एयर इनसाइड अ बलून अगर आप एक गुब्बारे के अंदर हवा भरेंगे इट टेक्स द शेप ऑफ़ द बलून तो ये उस गुब्बारे की शक्ल ले लेगा जब आप उसमें फूक भरते हैं तो आपने देखा है कि वह गुब्बारा फूल जाता है वो उस तरह राउंड होता है उसी तरह राउंड उसकी उसके अंदर एयर होती है इफ़ यू पम्प एयर इंटू आ शॉपिंग बैग इसी तरह आप किसी भी बैग के अंदर शॉपिंग बैग ये जो शॉपर होते हैं आपके उसके अंदर फूक भरेंगे या फिर बीच बॉल और अगर आप किसी भी बॉल के अंदर आ, हवा भरेंगे इट विल टेक द शेप ऑफ़ दीज ऑब्जेक्ट्स ये भी उसकी शक्ल ये एयर उसकी शकल ले लेगा इसकी कोई शकल अपनी नहीं है आप जिस चीज़ में डालेंगे उस तरह की ये शक्ल ले लेगा नो डेफिनेट वॉल्यूम इसका वॉल्यूम भी नहीं होता दिस मीन्स दैट इट स्प्रेड थ्रू आउट द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर इट इसका मतलब है कि जितनी स्पेस आप इसको देंगे ये उतनी फैलती जाएगी लेकिन इसका वज़न नहीं होगा फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू ब्लो एयर इन टू अ बलून इट विल स्प्रेड थ्रू आउट द स्पेस अगर मिसाल के तौर पर अब आप देखें अगर आप गुब्बारे में हवा भरेंगे तो ये उसके अंदर मौजूद तमाम जगह में भरती जाएगी और ये आगे आगे हो जगह लेती जाएगी एयर इन द and एंड बबल्स इन बॉइलिंग वाटर आर examples ऑफ द gaseous स्टेट ऑफ मैटर अब वो क्या कह रहे हैं हवा बलून के अंदर या पानी के अंदर जो बुलबुलें उठते हैं और उनसे जो हवा निकलती है ये सब किसकी मिसाले मिसालें हैं गैस की मिसालें हैं ठीक है अब आप देखें पहले हमने पढ़ा था सॉलिड तो सॉलिड में क्या था उसकी डेफिनेट शेप भी होती है एक मखसूस शक्ल भी होती है और उसका मखसूस वजन भी होता है नेक्स्ट हमने जो लिक्विड पढ़ा था उसकी مخصوص शेप शक्ल नहीं होती लेकिन उसका वजन होता है ठीक है तो गैस में क्या होता है ना शक्ल होती है ना उसका वजन होता है ओके स्टूडेंट्स द मूव टू नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट पैराग्राफ कंपेयरिंग स्टेट्स ऑफ मैटर अब हम देखेंगे ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इनको कंपेयर करके कि इनमें क्या-क्या चीज होती है हाउ आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर कि सॉलिड लिक्विड और गैस जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ किस तरह हैं वाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप बट नॉट लिक्विड एंड गैसेस किस तरह जो है सॉलिड ठोस चीज की शक्ल है लेकिन लिक्विड और गैस की शक्ल नहीं है इट इज़ बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर अब वह क्या कह रहे हैं कि ये उनके जो अंदर मौजूद जरात होते हैं जिनसे कोई भी मैटर बनता है उनकी अरेंजमेंट की वजह से होता है अब क्या होता है कि अक्सर पार्टिकल्स बहुत जुड़े हुए होते हैं और अक्सर के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं ये मैं आप जिसना जिसना पढ़ती जाऊँगी मैं आपको समझाती जाऊँगी यू कैन नॉट सी दीज पार्टिकल्स विद एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप बट दे आर वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल आप इन ज़रात को माइक्रोस्कोप या दूरबीन सॉरी ये माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं दे आर इवन स्मालस दैट लिविंग सेल्स ये इंसानों के सेल से भी ज्यादा छोटे होते हैं लेट अस लर्न हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज इन दी स्टेट्स ऑफ मैटर अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह अरेंज होते हैं ना मूव टू डू यू रिमेंबर सेक्शन डू यू रिमेंबर वाला सेक्शन पे आए ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन अब ये बातें आपने याद रखनी है कि तमाम जो मादा है वो इतना छोटा होता है कि वो आम इंसान को नज़र आँखों से नहीं आता द पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग ये पार्टिकल्स हिलते रहते हैं अपनी जगह से देर आर स्पेसिस बिटवीन दैम इनके दरमियान जगह होती हैं दे आर हेल्ट टूगेदर बाई फोर्सिस वो ताकत से फोर्स से जुड़े होते हैं वैन पार्टिकल्स आर हीटेड दे मूव फास्ट जब पार्टिकल्स या जरात को गर्मी पहुंचती है तो ये तेज़ी से हिलते हैं वैन कूल्ड दे स्लो डाउन और जब इसको ठंडा करते हैं तो ये हल्के हो जाते हैं जब हीट मिलती है इनको तो पार्टिकल्स ज़्यादा तेज मूव करते हैं चलते हैं लेकिन अगर उनको ठंडा कर दिया जाए तो वो बिल्कुल आहिस्ता हो जाते हैं मूव नेक्स्ट पेज पेज दिस नंबर सिक्सटी टू हम हम इसके बारे में पढ़े थे जो कंपेयर कर रहे हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे पार्टिकल्स इन सॉलिड अब आप यहाँ पे आपको ये पिक्चर जो साथ नजर आ रही है पार्टिकल्स इन सॉलिड आप इसको देखें इसमें ये छोटे छोटे जो ब्लू कलर के इन्होंने पर्पल कलर के पार्टिकल्स बनाए हुए हैं आर यूजली अरेंज इन रेगुलर पैटर्न इनका बिल्कुल एक जैसा तरीका होता है मतलब कि अगर ये एक लाइन में जुड़ के खड़े तो ये एक लाइन में ही होंगे इनका रेगुलर पैटर्न होगा ये हिलते नहीं है अपने पैटर्न से जो पैटर्न है वहीं पर मौजूद रहेंगे अगर ये बॉक्स शेप पैटर्न बना होगा तो ये बॉक्स शेप पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर तो क्या कह रहे हैं सॉलिड के अंदर जो ज़रात होते हैं वो बिल्कुल उसी तरह आमतौर पे उनका जो पैटर्न होता है उसी तरह अरेंज होते हैं आर टाइटली पैक्ड उसके अलावा जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के अंदर वो एक दूसरे से बहुत सख्ती के साथ जुड़े होते हैं बहुत जोर से वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं इट मीन्स दैट देयर इज़ वेरी लिटल स्पेस बिटवीन बिटवीन दैम इसका मतलब है कि उनके दरमियान जो स्पेस है वो बहुत कम रह जाती है वो इतना करीब जुड़े होते हैं कि उनके दरमियान जो जगह होती है वो बहुत कम होती है नहीं डाल सकते जो आपका सॉलिड होता है उस पर दबाव नहीं पड़ सकता पार्टिकल्स इन सॉलिड वाइब्रेट अब आउट अ फिक्सड पोजिशन जो सॉलिड के अंदर ठोस के अंदर जो ज़रात होते हैं वो अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं और वहीं पे हल्का फुल्का वाइब्रेट करते हैं बिल्कुल हल्का सा हिलते हैं बट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लेकिन ये अपनी जगह से थोड़ा बहुत अपनी जगह पे ही हिलते हैं लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ये मूव नहीं कर सकते लिक्विड uh, uh, के सॉरी सॉलिड्स के पार्टिकल पार्टिकल्स इन अ सॉलिड हैज़ लेस एनर्जी दैन लिक्विड्स एंड गैशियस पार्टिकल जो ठोस होती है ठोस के ज़रात होते हैं इनके दरमियान ताकत बहुत कम होती है लिक्विड और गैशियस पार्टिकल्स के मुकाबले में ये आगे पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड के इसीलिए अब ये अभी मैंने आपको क्या बताया है ये सारी जो बातें बताई हैं इसी वजह से इसकी शक्ल चेंज नहीं होती पहले क्या होता है कि इनका पैटर्न रेगुलर होता है एक जैसा टाइटली पैक्ड होते हैं ये इनके दरमियान जगह कम होती है ये एक दूसरे के ऊपर से मूव नहीं कर सकते बल्कि अपनी जगह पर हल्का फुल्का हिलते रहते हैं ठीक है नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग पार्टिकल्स इन अ लिक्विड लिक्विड के अंदर के ज़रात के बारे में अब हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर अरेंज इन एन इरेगुलर पैटर्न अब जो होते हैं लिक्विड इनका जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की ये बेतरतीब सी होती है इनके अंदर जो ज़रात होते हैं वो बहुत बेतरतीब से होते हैं आगे पिक्चर में देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे ये जो इन्होंने जरात बनाए हुए हैं ये कितने बेतरतीब से ऐसे ही पड़े हैं जबकि सॉलिड के कितनी अच्छी तरह अरेंज थे जबकि इसके इरेगुलर पैटर्न में हैं बेतरतीब से हैं जो लिक्विड या पानी या माया के जो जरात हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं दिस मीन्स दैट देर इज नॉट मच स्पेस बिटवीन दैम इसका मतलब है कि उनके दरमियान स्पेस जो है वो ज्यादा नहीं होती जस्ट इनफ फॉर देम टू स्लाइड ओवर ईच अदर उनके दरमियान इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती हल्की फुल्की स्पेस होती है सिर्फ इतनी स्पेस होती है कि वो एक दूसरे के ऊपर से स्लिप हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर से रगड़ खा के इधर उधर मूव कर जाते हैं या अपनी जगह से हिलते हैं इसीलिए ये कंटेनर में शक्ल बदल लेते हैं देयर फॉर इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस लिक्विड्स इसीलिए इनके ऊपर दबाव डालना आसान नहीं होता जैसे आप कभी पानी के ऊपर दबाव डालें ग्लास के अंदर पानी के आप हाथ डालें और उस पर दबाव डालें तो पानी साइडों से निकल जाएगा लेकिन आपसे दबाव नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आप बर्फ़ को दबाएंगे तो वो फिर भी थोड़ी ईजी होगी दुबानी आसान होगी लेकिन वो अपनी शक्ल नहीं चेंज करेगी अब लिक्विड का क्या होता है लिक्विड के दरमियान बहुत कम स्पेस होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर से स्लिप तो हो जाते हैं चेंज कर लेते हैं लेकिन ये कंप्रेस या दब नहीं सकते वाइब्रेट्स मूव अबाउट एंड स्लाइड पास अदर ये हिलते हैं और एक दूसरे के ऊपर से फिसल जाते हैं इसीलिए ये शक्ल बदल सकते हैं हैव मोर एनर्जी देन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इनकी एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होती है लेकिन गैसेस से इनकी जो एनर्जी है ताकत है वो कम होती है ठीक है <coughs> अब आपने बताना है कि गैस के अंदर किस किस्म के जरात होते हैं पार्टिकल्स इन अ गैस हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट जो गैस के ज़रात होते हैं उनकी कोई भी अरेंजमेंट नहीं होती उनकी बिल्कुल भी कोई अरेंजमेंट नहीं होती आर प्लेस फार फ्राम ईच अदर वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं ये ज़रात इसीलिए ये बहुत आसानी से दुबाए जा सकते हैं जिस तरह बैलून के अंदर आप दुबा दें एयर को तो वो बाहर नहीं निकलेगी ठीक है ये कंप्रेस करना आसान है और ये क्योंकि इसके ज़रात एक दूसरे से दूर होते हैं मूव फ्रीली एट हाई स्पेस जब धुआं उठता है आपने देखा होगा वो हर तरफ मूव कर सकता है ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इस तरह सीधा ही ऊपर जाएगा वो राइट भी जाता है लेफ़्ट भी जाता है ऊपर भी जाता है ठीक है तो ये बहुत और बहुत तेज़ स्पीड में गैस जो है वो मूव करती है मूव फ्रीली एट हाई स्पीड एंड हैव द हाइस्ट एनर्जी कम्पेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इनकी मूव करने की जो ताकत होती है या इनके अंदर जो गैस के अंदर जो एनर्जी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड एंड लिक्विड के मुकाबले में ओके okay क्लास आज हम यहीं तक अपना ये चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पे हम एंड करते हैं अपना लेक्चर आज का इन नेक्स्ट वीक हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके इसके एक्सरसाइज पे जाएंगे ओके क्लास टेक केयर अल्लाह हाफिज